अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है अरसलान असलम। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, जो आपको एप्लीकेशंस और गेम्स वगैरह देती है बिल्कुल फ्री में। प्ले स्टोर जो आप मोबाइल पर यूज़ करते हैं उस पर आपको काफ़ी एप्लीकेशन, काफ़ी गेम्स ऐसी होती हैं जो आपको बाय करनी पड़ती हैं, आपको पेड एप्लीकेशन होती हैं, आपको उनके पैसे देने पड़ते हैं प्ले स्टोर वालों को। लेकिन आज मैं आपको किसी ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप जो प्ले स्टोर पर जितनी भी पेड एप्लीकेशन है उन सबको बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर देना। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं होता, हमारी बहुत हौसला अफजाई हो जाती है, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जिस एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वहाँ से लिंक ओपन कर लेना है। जब आप लिंक ओपन कर लेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इनकी वेबसाइट है एप्टोए, ये एप्लीकेशन का नाम है। आपको नीचे इधर एक ऑप्शन दिख जाएगा इंस्टॉल एप्टोडे, इट्स कम्प्लीट फ्री, बिल्कुल फ्री है। आपको यहाँ पर इंस्टॉल एप्टोए पर क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जब आप इधर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऑलवेज कर देना है क्रोम पे क्लिक करके, और आपको इधर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। दोस्तों, डाउनलोड करके आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है Aptoide, इसका आपके सामने लोगो भी आ रहा होगा। इसके बराबर में मैंने प्ले स्टोर को भी रखा हुआ है। प्ले स्टोर को मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मैं आपको प्ले स्टोर भी ओपन करके बताऊंगा और Aptoide ऐप को भी ओपन करके बताऊंगा कि आपको इसका फ़ायदा क्या है और प्ले स्टोर को आपको क्यों डिलीट कर देना चाहिए और इस एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल में क्यों रखना चाहिए। तो सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, गेम रुपीज़ कुछ मैं आपको गेम्स दिखाना चाहता हूँ। ये आप पहले नंबर पे गेम देख सकते हैं, बाइक मयाम माउंटेन रेसिंग, ये गेम आपको प्ले स्टोर पर मिल तो जाती है मगर इसके लिए रुपीज़ आप देख सकते हैं 110 रुपीज़ आपको ये बॉय करनी पड़ती है। अब यही एप्लीकेशन मैं आपको बिल्कुल फ्री में आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा, वहाँ पे दूसरी एप्लीकेशन पे आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। तो दोस्तों, जब आपको एक चीज़ फ्री में दी जा रही है तो आप उसको बॉय क्यों करेंगे। दोस्तों, इस तरह और भी काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन हैं जो ये मैंने इस एप्लीकेशन को ओपन कर लिया, वही एप्लीकेशन का नाम हम इधर सर्च कर लेते हैं। बाइक मयाम माउंटेन रेसिंग मैंने सर्च कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पहले नंबर पे एप्लीकेशन आ गई है। इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं मैं और ओपन करके आपको दिखा देता हूं। इधर लिखा हुआ है इंस्टॉल बिल्कुल फ्री में ये एप्लीकेशन है, जबकि प्ले स्टोर पे यही एप्लीकेशन आपको बॉय करनी पड़ेगी, 110 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको इसके यहाँ पे वो इमेजेस वगैरह भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम इमेजेस हैं जो प्ले स्टोर पर इमेजेस हैं, वही इमेजेस आपको इधर भी इसकी मिल जाती हैं। आप देख सकते हैं प्ले स्टोर पर भी यही इमेज आ रही है और यही इमेज आपको उधर भी मिल रही है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सेम गेम है, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा, बिल्कुल सेम गेम है। दोस्तों, मैं आपको एक और फ़ायदा बता देता हूँ इसका। दोस्तों, कुछ काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल में, काफ़ी यूज़र यूज़ करते हैं मगर उन एप्लीकेशन को हमें प्ले स्टोर पर नहीं मिलती, प्ले स्टोर पर वो एप्लीकेशन नहीं है, तो हमें गूगल पर जाकर उनको काफ़ी सर्च करना पड़ता है उनका लेटेस्ट वर्जन, मगर इधर हर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी, जितनी एप्लीकेशन गूगल पर होंगी वो सब एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। प्ले स्टोर काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलती। दोस्तों, एक फेमस एप्लीकेशन है विडमेट जो प्ले स्टोर पर नहीं है, मगर वो एप्लीकेशन भी आपको इधर मिल जाएगी, उसके बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। विडमेट मैंने सर्च कर लिया, पहले नंबर पे देख सकते हैं आप विडमेट आ चुकी है, पहले नंबर पे आप देख सकते हैं विडमेट आ चुकी है। मेरे पास वैसे पहले से इंस्टॉल हुई हुई है, तो इन लोगों ने मुझे अपडेट का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। और आप चाहते हैं अगर किसी भी एप्लीकेशन का ओल्ड वर्जन डाउनलोड करना तो आप इधर अदर वर्जन पर क्लिक करके ओल्ड वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें काफ़ी प्ले स्टोर से बेहतर ऑप्शन है, बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है ये, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको इसको अपने मोबाइल में ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। प्ले स्टोर पर जितनी एप्लीकेशन है जो आपको बॉय करनी पड़ती है वो एप्लीकेशन आपको इधर फ्री मिलती है, और काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन है जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल ही नहीं है, प्ले स्टोर पर हमें मिलती ही नहीं है, तो इधर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था कि आपको इस एप्लीकेशन को ज़रूर यूज़ करना चाहिए और प्ले स्टोर को अपने मोबाइल से डिलीट कर देना चाहिए।
तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।